मुझे ज्यादा ये जो है ना, जैसे चिकन बनाए आप लोग, चिकन का मसाला रह गया, सब्जी बनाए हो तो सब्जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, रोशनी रितिका ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ इधर, आप लोग क्या बोलते हैं, छिलका रोटी जो बोलता है, जो आटा घोल के बनाते हैं। मैंने इसमें आटा, पानी और नमक मिलाया है, मैं बनाऊंगी। बहुत दिन हो गया नहीं खाए हैं। पहले जब छोटे छोटे थे तब ज्यादा ये सब खाते थे, चावल का, आटे का, घोल घोल के। तावा कहाँ रख दिया? तावा किया तो सोचा कि खा लेती हूँ। ऐसे भी बारिश हो रहा है, मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा है। तो आप लोग कौन कौन खाए हो, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आप लोग, घुल घुलवा रोटी, छिलका रोटी, कौन कौन खाया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसको किसको पसंद है ये भी लिखिएगा आप लोग कमेंट में। पहले जब छोटी थी, जैसे 9-10 साल की थी, तब घर के पास जो है, मतलब ऐसे ही फुआ फुआ बोलती, पड़ोस, तो आप लोग तो जानते हैं कि पड़ोस में जो सब रहते हैं, किसी को दीदी, किसी को मौसी, किसी को फुआ, तो ऐसे फुआ बोलते। तो उनकी बेटी थी, मुझसे उम्र में बड़ी थी, लेकिन ऐसे मेरी फ्रेंड थी वो। तो उन लोगों के घर में ये सब ज्यादा बनता था, क्योंकि थोड़ा उन लोग को खाने पीने में दिक्कत हो रहा था, बहुत ज्यादा गरीब थे। सिर्फ वो लोग एक टाइम ही रात में खाना बनाते थे, चावल हो गए, उसके पापा रिक्शा चलाते थे। तो वो लोग, मतलब मेरी पक्की सहेली थी, मैं दिन रात उन्हीं लोग के साथ, उन लोग के घर पर या फिर मेरे घर पर ऐसे रहते थे हम लोग। इधर देखिए मैं तेल डाल दी, तो ज्यादातर उन लोग के साथ ही, उनके साथ ही रहना मतलब अच्छा लगता था मुझे। तो जैसे कुछ भी बनाते थे, ज्यादातर जो है उनके घर में छिलका रोटी, जैसे साग वगैरह तोड़ के लाए बेचे, तो कोई आटा लिया, कोई चावल दिया, तो कोई पैसे देते थे। तो ऐसे करके हम लोग जो बच्चे बच्चे हैं, सब लोग मिलके ऐसे रोटी बनाते थे, आटा का छिलका रोटी। गरम हो गया है, मैं डालती हूँ। मुझे ज्यादा ये जो है ना, जैसे चिकन बनाए आप लोग, चिकन का मसाला रह गया, सब्जी बनाए हो तो सब्जी बच गया, तो सब्जी के साथ खाने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी कोई कोई जो है, कोई चीनी डाल के बनाता है, कोई नमक डाल के, मुझे नमक वाला ज्यादा अच्छा लगता है, सिर्फ चीनी मुझे ऐसे ही पसंद नहीं है। बना रही हो तो बचपन याद आ रहा है पहले, लेकिन गैस नहीं था हम लोग जैसे बनाते थे, तो गैस सिलेंडर नहीं था, हम लोग लकड़ी में बनाते थे। जैसे हम लोग के घर के पास ही आपका टी गार्डन था, तो वहीं जाते थे, वहीं से लकड़ी चुनते थे। मैं अपने घर में कुछ नहीं करती थी, कुछ काम भी नहीं करती थी, खाती थी, निकल जाती थी, खेलती थी, बस यही मेरा काम था। लेकिन हाँ, जब सहेली के घर वहाँ जाती थी, उसके लिए लकड़ी चुनती थी, बर्तन धो देती थी, सब ऐसे ऐसे काम करती थी, उसके साथ ही उसकी मदद करने में अच्छा लगता था। और घर में ऐसे तो मेरी दीदी थी, तो दीदी कर लेती थी, इतना टेंशन नहीं होता था। लेकिन नहीं करती थी तो मार पड़ता था ज़्यादा। और मैं अभी आप लोग को और एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए। बताए
ताजा मिर्चा है देखिए कितना सारा, कल खरीद के लाई हुए, बिहार दे के भेजूंगी, बिहार में चाहिए बोलो। और इधर है पके पके हुए आम, पके पके आम। ये है नींबू, आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे नींबू मिर्चाई का क्या करेगी, तो नींबू जो है अभी गर्मी है, गर्मी के चलते जो है मुझे जब भी मतलब खाना खाती हूँ भात सब्जी दाल सब्जी तो नींबू मुझे चाहिए, और जो इतना सारा मिर्चा है वो मैं थोड़ा बिहार दे के भेजूंगी, और थोड़ा सोच रही हूँ फिर अचार बनाऊंगा, तो ये चलते इतना लाइक। इधर देखिए बात करते करते मेरा रोटी भी बन गया, सामने से दिखा देती हूँ, देखिए तो फ्रेंड इधर देखिए मैंने ले लिया है खाने के लिए, इधर आपको दिखाती हूँ, देखिए तो खा के बताती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लग रहा है। आप लोगों को किसको किसको पसंद है और कौन कौन खाए है बचपन में छिलका रोटी अपने से बनाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।